नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं देश का नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल और इस वक्त हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। यूपी के प्रयागराज के उमेश पाल शूटआउट केस में बड़ा पर्दाफाश। सूत्रों के हवाले से खबर है कि हत्याकांड के 3 महीने पहले बीएसपी नेताओं से अतीक के परिवार का पैसों का लेन देन का आरोप। अतीक के घर से बरामद रजिस्टर से पर्दाफाश। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर बड़ा पर्दाफाश। हत्याकांड से पहले बीएसपी नेताओं को दी गई थी कई पार्टी पैसा देकर मेयर का टिकट लेने का आरोप। उमेश पाल हत्या केस में पुलिस की छापेमारी जारी। अतीक की पत्नी शाइस्ता और बहन आयशा की पुलिस कर रही तलाश। अतीक के बेटे असद को छिपाने के आरोप में दिल्ली से 3 लोग गिरफ्तार। आकांक्षा केस में सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। दावा किया गया है कि पुलिस की गैर मौजूदगी में होटल के कमरे का ताला खोला गया था। ये वीडियो 26 मार्च की सुबह करीब 10:30 बजे का बताया जा रहा है। आकांक्षा दुबे मौत मामले में वाराणसी पुलिस की याचिका पर वाराणसी जिला कोर्ट में आज होनी है सुनवाई। पुलिस आरोपी समर सिंह की कस्टडी की करेगी मांग। आरोपी समर सिंह से पूछताछ करना चाहती है पुलिस। पाकिस्तान समर्थकों पर एक्शन नहीं लेने से नाराज। भारत ने ब्रिटेन के साथ व्यापार डील को रोका। अब कार्रवाई की तैयारी में जुटा ब्रिटेन का गृह विभाग। ब्रिटिश अखबार का बड़ा दावा। झारखंड के जमशेदपुर में 2 समुदायों के बीच पत्थरबाजी। झड़प में कई लोग जख्मी। दुकानों में आगजनी। पुलिस ने लगाई धारा 144। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में रामनवमी के बाद किया रावण दहन। 20,000 से ज्यादा लोग हुए शामिल। दोनों हाथों में तलवार लेकर अखाड़ा खेलते दिखे बीजेपी विधायक। पंजाब के पठानकोट में 2 गुटों में झड़प। मारपीट का वीडियो वायरल। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच की शुरुआत की। महाराष्ट्र के ठाणे की मुंब्रा मार्केट में 2 गुटों में मारपीट। 2 लोगों के बीच मामूली विवाद में शुरू हुई मारपीट, जिसके बाद कई लोग आपस में भिड़ गए। घटना का वीडियो वायरल हो चुका है। हरियाणा के सोनीपत में धार्मिक स्थल पर 15 से 20 लड़कों ने किया हमला। हमले में 15 से ज्यादा लोग जख्मी। पुलिस हिरासत में 6 लोग। घटना के बाद से तनाव का माहौल। कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक शुरू। आज हो सकता है उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। कल हुई सीईसी की बैठक में पीएम मोदी समेत कई बड़े नेता हुए शामिल। बीजेपी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया सवाल। पूछा, राहुल गांधी देश विरोधी व्यापारियों के इशारे पर भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत चीन सीमा पर आज दिखेगा गृह मंत्री अमित शाह का दम। अरुणाचल प्रदेश के कीबुथु इलाके में भारत चीन सीमा के पास अमित शाह करेंगे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च। आईटीबीपी जवानों से भी होगा संवाद। न्यूयॉर्क के वॉशिंगटन डीसी पहुंची केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने किया स्वागत। वर्ल्ड बैंक IMF की बैठक में होंगे शामिल। हिंदुओं पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। हिंदू समाज को बांटने की साजिश की बात कही। देश के विश्व गुरु बनने की बात फिर दोहराई। सीएम गहलोत के खिलाफ सचिन पायलट के फिर मोर्चा खोलने पर कांग्रेस पार्टी में हड़कंप। खड़गे से मुलाकात के बाद जयराम रमेश ने जारी किया बयान। गहलोत के साथ खड़ी दिखी पार्टी। पायलट ने गहलोत पर लगाया है वादा खिलाफी करने का आरोप। यूपी में नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान। 4 और 11 मई को 2 फेज में होनी है वोटिंग। 13 मई को नतीजे। लखनऊ में 2 दिवसीय नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव 2023 का शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया उद्घाटन। कार्यक्रम में प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। जोजीला टनल पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। टनल के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। जोजीला सुरंग बनने के बाद बर्फबारी के बाद भी बंद नहीं होगा श्रीनगर लेह लद्दाख हाईवे। छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद ने बंद का ऐलान किया है। रायपुर में प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर कुछ बसों के कांच फोड़ दिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रोजगार की मांग को लेकर बीएड बीएड संघ का प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर भांजी लाठी। कोरोना के बढ़ते मामलों पर देश भर में अलर्ट। सभी राज्यों में आज से 2 दिन तक अस्पतालों में मॉक ड्रिल। हालात से निपटने की तैयारी की होनी है समीक्षा। दिल्ली के श्रद्धालु ने चढ़ाया ज्वालजी मंदिर में 21 किलो का चांदी का छत्र। मुराद पूरी होने पर रविवार को मंदिर पहुंचे श्रद्धालु। मंदिर माता के जयकारों से गूंजा। यूपी के बरेली में अवैध हथियार लहराते 2 लड़कों का वीडियो वायरल। वीडियो सामने आने के बाद लड़कों की तलाश में जुटी है पुलिस। बिहार के सुपौल में 24 घंटे में 2री हत्या से सनसनी। 21 साल के लड़की की गोली मारकर हत्या। सुबह डिग्री कॉलेज के पास मिला था एक और शव। यूपी के अमेठी में चोरी की अनदेखी घटना। 10 लाख की कार में बैठकर आए चोर ने नमक की 6 बोरियां की चोरी। सीसीटीवी में रिकॉर्ड चोरी की घटना।
राजस्थान के झुंझुनू में बाबा बालकनाथ मंदिर में चोरी, दान पात्र तोड़कर उड़ाई नकदी। सीसीटीवी में रिकॉर्ड वीडियो की मदद से चोरों का तलाश मिल चुकी है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की बड़ी सफलता, एक महिला समेत चार लोगों को पकड़ा। 15 किलो का हाथी दांत बरामद। 35 लाख में हाथी दांत बेचने की तैयारी में थे चोर। मध्य प्रदेश के इंदौर में बिजली के खंभे पर चढ़ा आदमी, वहां से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की, संभाव बचाकर आदमी को उतारा गया नीचे। राजस्थान के करौली में सड़क पर दिखा तेंदुआ, वीडियो सामने आने के बाद सक्रिय वन विभाग, लोगों में दहशत का माहौल। महाराष्ट्र के पुणे में विंटेज और क्लासिक कार रैली का आयोजन। रैली में 125 अलग अलग तरह की कारें थी, जिसमें लगभग 70 से 80 बहुत मूल्यवान विंटेज और क्लासिकल कारों ने 15 किलोमीटर की रैली में हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में तबादले के बाद थाना प्रभारी की यादगार विदाई कार को सजाकर थाने से निकाली गई। यूपी के सहारनपुर में गुलदार दिखने से दहशत में लोग, एक फार्म हाउस पर गुलदार ने कुत्ते को बनाया निवाला, सीसीटीवी में रिकॉर्ड गुलदार की तस्वीर। उत्तर प्रदेश के गांव में गेहूं की फसल में लगी भीषण आग, 300 बीघा गेहूं की फसल आग में जलकर खाक। हवा की वजह से भड़की आग, भारी नुकसान की आशंका। उत्तर प्रदेश के कानपुर में किदवई नगर में भीषण आग लगी, आग की चपेट में आई कई दुकानें जलकर राख, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग। यूपी के मऊ में नवीन सब्जी मंडी में आग से अफरा तफरी, दमकल की कई गाड़ियों ने मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया। यूपी के एटा में चलती कार में लगी आग, कार सवार लोगों ने कूद कर अपनी जान बचाई, आग की वजह से आसपास के इलाके में हड़कंप। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को कंट्रोल किया। यूपी के मैनपुरी में ट्रक में लगी आग, बताया गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग, दमकल की गाड़ी ने मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक ट्रक का आगे का हिस्सा जल चुका था। यूपी के झांसी में स्मार्ट सिटी के यार्ड में भीषण आग लगने से हड़कंप, दमकल की कई गाड़ियों ने मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया। नुकसान के आकलन में जुटा है प्रशासन। हरियाणा के रेवाड़ी में कटाई के बाद रखी गेहूं की फसलों में आग लग गई, साजिश के तहत आग लगाने का आदेश। मध्य प्रदेश के बैतूल में गेहूं के खेत में लगी आग, 5 एकड़ में लगी पकी फसल जलकर खाक। आग लगने की वजह साफ नहीं, किसानों को लाखों का नुकसान। गुजरात के कच्छ में तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े आदमी को मारी टक्कर, गंभीर रूप से घायल आदमी अस्पताल में भर्ती, टक्कर के बाद फरार हुआ कार चालक। महाराष्ट्र के अकोला में बेमौसम बारिश की वजह से टीनर शेड पर गिरा पेड़, हादसे में 7 लोगों की मौत जबकि 30 लोग गंभीर रूप से जख्मी। ताइवान मामले पर खुलकर सामने आए चीन और अमेरिका, ताइवान के नजदीक युद्धाभ्यास में चीन ने उतारा शेनडांग एयरक्राफ्ट कैरियर, दक्षिण चीन सागर में अमेरिका का जंगी जहाज तैनात। अलक्शा मस्जिद पर हुई हिंसा के बाद हमास और इसराइल के बीच छिड़ गया नया युद्ध, गोलान हाइट्स पर हुए हमले के जवाब में इसराइल की सेना ने हमास की सैन्य अड्डे को तबाह करने का दावा किया। लेबनान से उतरे इसराइल पर दागे गए ताबड़तोड़ रॉकेट, प्रधानमंत्री ने देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस से आर्मी के हाथों सौंपी। इसराइल पर हुए आतंकी हमले में 3 लोगों की मौत हो गई, वैसे ये हमले बिल्कुल नए नहीं है, फिलिस्तीन और इसराइल के संबंध ऐतिहासिक काल से रक्त रंजित रहे। जंग के बीच यूक्रेन को पोलैंड और अमेरिका ने भेजी हथियारों की नेखेप, अमेरिका ने भेजे और ग्रेनेड लॉन्चर, पोलैंड ने फाइटर जेट और टैंकों की खेप यूक्रेन को दी। एविएशन ब्रिगेड के साथ यूक्रेन की MI-8 और MI-24 गनशिप ऑपरेशन को दिया अंजाम, जिसमें बिना किसी पूर्व सूचना के हवाई पट्टी पर SH-80MM रॉकेट के साथ B-8V20A रॉकेट पॉड की रॉकेट पैड की लॉन्चिंग की। फ्रांस के एप्पल्स में आए बर्फीले तूफान की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत जबकि 9 जख्मी है। ईस्टर की छुट्टी पर वहां घूमने गए थे।